الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي म अल कुकुम बिशद औ कमा कला तू वसलाम मोहब्बत से दुरुशरीफ पढ़ लीजिए बुज़र्गान महतरम किराम, अज़ीज़ नौजवानों <स्थाँगाँ> और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों अल्लाह का शुक्र है करम है फ़ज़ल है एहसान है कि अल्लाह ने हमें दोबारा रमज़ान का मुबारक महीना आता फ़रमाया यूं फरमाया कि रमज़ान शरीफ के आने पर खुशी का इजहार करे बोझ न समझे कि रमज़ान आया है अब रोजे रखने पड़ेंगे भूखा प्यासा रहना पड़ेगा रात में तरावी पढ़नी पड़ेगी अब मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना पड़ेगा अब रोजे अब तरावी अब ज्यादा वक्त मस्जिदों में अब नमाजों की पाबंदी लिहाजा इसको बोझ न समझें बल्कि रमजान शरीफ के आने पर खुशी का इजहार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया और अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया कि जिसमें हमारी आसानी से बख्शिश हो हो, हो सकती है तो ये बहुत खुशी का महीना है बहुत मुबारक महीना है बड़ी बरकतों वाला महीना है बड़ी अजमतों वाला महीना है बड़ा खैर का महीना है तो सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान शरीफ के आने पर हम खुश हो जाए कि यह बख्शिश का महीना आया है इसमें तीन आशरे होते हैं यूं फरमाया कि अलू रहा रमजान का पहला आशरा रहमत का व औतू हा मगफरा रमज़ान का दरमियानी आशरा मगफिरत का व आखिर इतक मिनना और रमजान का आखिरी आशरा आग से आजादी का आशरा है रहमत का आशरा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ा मुकम्मल हुआ एक रात आई चली गई एक रोज़ा आया चला गया और हम जहनी तौर पर तैयार हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक रोज़ा हो गया कुछ पता ही ना चला रोज़ा भी बहुत आसान हो गया शैतान दड़ाता था भूख लगेगी प्यास लगेगी कमजोरी लगेगी गर्मी है रोजे कैसे मुकम्मल होंगे लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हिम्मत आ गई अब ताकत आ गई पता चल गया दो तरावी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आने पर रोज़े भी आसान हो जाते हैं और वक्त आने पर तरावीह भी आसान हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आता है हम रोज़े तो रखते हैं हम तरावी तो पढ़ते हैं कुरान शरीफ की तिलावत तो करते हैं दुआएं तो करते हैं लेकिन इस रमज़ान में हमें हर अमल को बहुत अच्छी तरीके पर करना है हम देखते हैं कि इफ्तारी का दस्तरखान होता है उसमें छः सात वेरायटीज होती हैं हर वेराइटी अच्छी बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाने की उसमें कोशिश की जाती है कि भाई है, दो अच्छी बनाओ चार खराब बनाओ फरमाया ना 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 हर वेरायटीज ध्यान से तोज्जू से और बेहतरीन तरीके पर अच्छी में अच्छी बनाने की कोशिश की जाती है ओ मेरी दीनी माओ बहनों मेरे अजीजों रोजा का वक्त आए अच्छा रोजा रखे तरावी का वक्त आए अच्छी तरह तरावी पढ़े रुकू सजदे में तस्बी तरह पढ़े तरावीह को बोझ न समझे हिम्मत के साथ हिम्मत के साथ खड़े हो जाए अवाबीन का वक्त आए हिम्मत के साथ खड़े हो जाए कुरान शरीफ की तिलावत का वक्त आए मखारिज और सिफात के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करें चलते फिरते उठते बैठते ला

गफलतों में गुजरे कहीं ऐसा न हो कि ये रमज़ान भी गफलतों में गुजर जाए देखो एक रोज़ा तो गुज़र गया इसमें जो भी गफलत हुई हो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए जो टूटी फूटी इबादत हुई अल्लाह तबारक व तला अपनी बारगाह में इसको कबूल फ़रमाएं अजीज़ो ये रमज़ान के दिन तो दुआ के दिन हैं अजीजो ये रमजान के दिन तो ये दुआ के दिन है ये अल्लाह से मांगने के दिन है गुजर गई उम्र गफलतों में यही तो रब से वफा के दिन है अजीजो रमजान तो दुआ के दिन है गुजर गई उम्र गफलतों में यही तो रब से वफा के दिन है जिंदगी का बड़ा हिस्सा उम्र का बड़ा हिस्सा गफलतों में गुजर गया अब रमज़ान में अल्लाह से वफा कर अल्लाह से दोस्ती कर ले क्या कैसे वफ़ा करें यूं फरमाया कि खूब इबादत करें खूब इबादत करें रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है ना अपने आप को जहनी तौर पर एकदम तैयार यार कर ले, जहनी पर, कि ये महीना है मुझे वसूल करना है इसकी एक एक मिनट एक एक सेकंड और एक एक लम्हे और एक एक घड़ी को वसूल करना है इस महीने में मुझे, मुझे मुकम्मल तौर पर गुनाहों से बचना है मुझे रोजाना ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करनी है तो जहनी तौर पर अपने आप को तैयार कर लें और कुछ अजाइम कर लें कुछ इरादे कर लें अल्लाह तबारक वाल हमें अपने आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तोफ़ीक और सादत नसीब फरमाए क्या तैयारी करें रमज़ान की सबसे पहली तैयारी ये करें कि हमें गुनाहों से बचना है हमें गुनाहों से बचना है गुनाह में तीन गुना बड़े खतरनाक है गुनाहों में तीन गुना बड़े खतरनाक है यानी वो ऐसे गुनाह है कि अगर वो गुनाह के आदि हो तो मौत के वक्त अंजाम बुरा हो जाता है कलीमे का मिलना मुश्किल हो जाता है अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं असल एतबार खात्मे का है खात्मा अच्छा हो जाए मौत अच्छी आ जाए अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह से सुलह हो जाए दिल की तार अल्लाह से जुड़ जाए अल्लाह को अपना बनाना अल्लाह को राजी करना अल्लाह से सुलह करना अल्लाह से मोहब्बत करना और यह जवानी और यह जिंदगी अल्लाह पर फिदा करना और एक दिल है इसको अल्लाह की मोहब्बत से इस दिल को आबाद करना इंसान चाहता है कि मेरी मौत अच्छी आए लेकिन तीन गुना बड़े खतरनाक है रमजान में बतौर खास वो तीन गुनाहों से तोबा कर ले नंबर एक दिल में किसी नाम महरम की मोहब्बत ना हो दिल में किसी नाम महरम की मोहब्बत ना हो चूंकि वो नाम महरम की मोहब्बत को दिल में लाना ये हराम है अल्लाह की मोहब्बत रोशनी है और नाम महरम की मोहब्बत ये अंधेरा है और रोशनी और अंधेरा कभी भी जमा नहीं हो सकते नाम महरम की मोहब्बत के साथ इंसान अल्लाह को नहीं पा सकता अल्लाह की मोहब्बत उसको नहीं मिल सकती अल्लाह का ताल्लुक उसको नहीं मिल सकता अल्लाह के होते हुए अल्लाह देख रहे हो और दिल में हम किसी नामहरम को बसा रहे हो अल्लाह नाराज हो जाते हैं मौत के वक्त कलीमा मिलना मुश्किल हो जाता है शोहर बीवी की हर गलती को माफ करता है सिवाय उसके के बीवी उसके होते हुए किसी और को देखे बीवी शोहर की हर गलती को माफ करती है सिवाय उसके के बीवी के होते हुए शोहर किसी और नामहरम से बात करें जब मिया बीवी खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं तो अल्लाह जो वह है जो ला शरीक लहू है उसका शरीक कोई नहीं उसका पार्टनर कोई नहीं उसका वजीर कोई नहीं उसका मुशीर कोई नहीं वो तन्हा तनहा बादशाह है वो शहंशाह है वो अहकमुल हाकिमिन है वो ताजदारे मदीना का रब है वो अल्लाह जो अपनी पूरी ताकत के साथ है आन बान शान के साथ है वो अल्लाह कब बर्दाश्त करेगा कि हम किसी और की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए अल्लाह तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तो नजरे करम फरमाए और हमारा दिल ही कहीं और हो अल्लाह हमें अपना बनाना चाहते हो हमारी तरफ तवज्जो करे हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहे लेकिन देखे कि ये तो दिल में किसी नामहरम को बसा रहा है फिर अल्लाह नाराज हो जाते हैं अल्लाह की नजरे रहमत से वो बंदा गिर जाता है मौत के वक्त कलीमे का मिलना मुश्किल हो जाता है रमजान की नेमतों और बहारों से वो बंदा फायदा नहीं उठा सकता अपने दिल को पाक साफ करे एक अल्लाह की मोहब्बत से अपने दिल को आबाद रखे जिंदगी मुख्तसर है चंद रोजा है फानी है खत्म हो जाने वाली है और फिर अल्लाह से मुलाकात होने वाली है अल्लाह तबारक वाल हमें सही समझ अता फरमाए नामहरम की मोहब्बत दिल से निकालना हो तो तो सुबह शाम सो सो मरतबा ला मरगूबी इला ला महबूबी इलाह ला मतलूबी इलाह सुबह शाम सो तबाह पड़े इन ना नामम की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी ला मरबूबी मेरा मरबूब तो सिर्फ अल्लाह है ला महबूबी मेरा महबूब तो सिर्फ अल्लाह है ला मतलूबी मेरा मतलूब तो सिर्फ अल्लाह ला لاها. <applause> इबादत एक अल्लाई की, की जाएगी मैं एक अल्लाई की इबादत करूँगा एक अल्लाई से मोहब्बत करूंगा एक अल्लाई को दिल में बसाऊंगा और पिछले सारे गुनाहों से माफी मांगूंगा और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करूँगा जब बंदा मानी के इस के साथ सुबह शाम सो मरतबा इस उम्मीद के साथ एक तस्वीर पड़ेगा कि अल्लाह ना महरमों से मेरी जान छोड़ा लीजिए उम्मीद है अल्लाह नामहरमों से बचाएंगे नाजाइज मोहब्बतों से बचाएंगे हराम मोहब्बतों से बचाएंगे अल्लाह को नाराज करने वाली मोहब्बतों से बचाएंगे और अल्लाह अपनी मोहब्बत अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाएंगे और दुनिया आखिरत दोनों बेहतर बनाएंगे खुश होंगे राज़ी होंगे जब खुश होंगे राजी होंगे तो हमारा अंजाम बेहतर फरमाएंगे दुनिया भी बेहतर बनाएंगे आखिरत भी बेहतर बनाएंगे बहुत से लोग हैं वो मंगनी के बाद आपस में फ़ोन पर बातचीत करते हैं ये बातचीत करना बिल्कुल सही नहीं है बिल्कुल जायज़ नहीं है और अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ है फिर शादी के दो चार महीने के बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती है बच्चे नाफरमान हो जाते हैं जिंदगियां तलख हो जाती है ससुराल में बुरे दिन शुरू हो जाते हैं सास बहू की लड़ाइयां शुरू हो जाती है जब हाँ, जब वक्त था तूने दो तीन साल मजे की है, है। इसलिए मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, मेरी दीनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ अपने आप पर कंट्रोल रखे अपने आप की हिफाजत करे इंस्टा से बचे ना महरमों से बचे ना महरमों की मीठी मीठी बातों में न आए ये आज की बात है और यह कल की धोखे वाली बात है सिवाय रोने के पछताने के नदामत के आपके हाथ कुछ नहीं आएगा अल्लाह को नाराज करके इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता चाहे बादशाह हो जाए या फकीर हो जाए अल्लाह को राजी करो सबसे पहली बात ये दिल अल्लाह के लिए है एक अल्लाह से मोहब्बत करनी है और नामहरमों की मोहब्बत को दिल से निकालना है नाजायज मोहब्बतों को दिल से निकालना है अल्लाह तला हमें गुनाहों से बचाए अभी दुआ करो ये दुआ का महीना है प्यारे अल्लाह मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ अल्लाह गुनाहों की नफरत मेरे दिलों में डाल दे अल्लाह अल्लाह गुनाहों की नफरत मेरे दिलों में डाल दे हाँ अल्लाह की मोहब्बत में जायज मोहब्बतें आ गई माँ बाप की मोहब्बत बीबी बच्चों की मोहब्बत जायज मोहब्बतें आ गई लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत और जायज मोहब्बतों का टकराव होगा तो अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देंगे जब अल्लाह की मोहब्बत और जायज मोहब्बतों का टकराव होगा तो अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देंगे तो नंबर एक तीन गुना बड़े खतरनाक और जहरीले और सख्त नंबर एक नामहरम से मोहब्बत जिसके दिल में नामहरम से मोहब्बत होगी उसका अंजाम बुरा होगा मौलाना क्या करे निकलती नहीं है ओह मेरे अजीज निकलती नहीं है निकालनी पड़ती है नामहरम से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाओ अल्लाह बड़ी ताकत वाले मोहब्बत अल्लाह से करनी अल्लाह ही बड़े हैं जिंदगी अल्लाह ने दी है अनकरीब मौत आ जाएगी कि अल्लाह के पास चले जाएंगे अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी अल्लाह की मोहब्बत काम आएगी कब्र के अंधेरे में क्या काम आएगा एक अल्लाह ही काम आएगा अल्लाह ही को दिल में बसाना और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत को मांगना रमजान की हर दुआ में अल्लाह से कहो कि प्यारे अल्लाह आफियत से आप मुझे अपनी मोहब्बत दे दीजिए देखो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी ना इबादत करना भी आसान हो जाएगा गुनाहों से बचना भी आसान हो जाएगा दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकालना भी आसान हो जाएगा प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलना भी आसान हो जाएगा फिर जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना वो हर वक्त उसकी याद में उसके ख्यालों में रहना रहता है उसे कहना नहीं पड़ता हाँ जब मोहब्बत अल्लाह से हो जाती है फिर बंदा अल्लाह की याद में रहता है फिर उसको पता है कि प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलूंगा अल्लाह खुश होंगे राजी होंगे फिर वो सुन्नतों पर चलता है सुन्नतों को सीखता है सुन्नतों पर जीता है सुन्नतों के मुताबिक मरता है फिर इंशाल्लाह उसका हशर प्यारे नबी के साथ होगा वो दूसरा गुना जिससे अल्लाह तबारक ताला सख्त तरीन नाराज होते हैं वो है हराम पैसा नाजायज पैसा हराम की कमाई हराम का लुकमा ये अल्लाह को बहुत नाराज करने वाली चीज है हराम पैसे से बचे अपने बिजनेस में झूठ न बोले अपने कारोबार में झूठ ना बोलें धोखा न, बोले, न दें ताना न दें बैंक से पैसा न लें सूद पर ब्याज पर बैंक से पैसा न लें अल्लाह को नाराज ना करें रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है हम जब माँ के पेट में थे उस वक्त हमें किसने खिलाया था हमारी जब पैदाइश हुई थी तो हमारे अम्मी के को के दूध किसने दिया अल्लाह ने दिया हम जब स्कूल जाते थे ना जब तो हमारी दुकान नहीं थी ना हम कमाते नहीं थे ना हम तो पढ़े लिखे नहीं थे उस वक्त हमें किसने खिलाया लोग कहते हैं मौलाना हमारे अम्मी अबू ने खिलाया अरे करोड़ों बच्चे यतीम है जिनके अब्बू कोई नहीं उनको कौन खिलाता है करोड़ों औरतें बेवा है जिनके शोहर कोई नहीं उनको कौन खिलाता है अरे ये गरीबों यतीमों बेवाओं मिसकिनों मजबूरों परेशान हालो ये लाचारों को कौन खिलाता है एक अल्लाह खिलाने वाली रात अल्लाह की पिलाने वाली रात अल्लाह की अल्लाह किसी को भी जरिया बनाए किसी के माँ बाप को जरिया बना देता है किसी के घर वालों को जरिया बना देता है किसी के चचा को जरिया बना देता है ये अल्लाह की अपनी मर्जी है वरना असल पाल वाली जात अल्लाह की है रब अल्लाह है रजाक अल्लाह है खालिक अल्लाह है मालिक अल्लाह है पालनहार अल्लाह है शहनशाह अल्लाह है बादशाह अल्लाह है दुनिया को चलाने वाला अल्लाह है सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है नबियों को वलियों को बनाने वाला एक अल्लाह है मुझे और आपको बनाने वाला एक अल्लाह है जो अल्लाह सिंह के दानों को तरतीब से रखना जानता है वो अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी भी तरतीब वाली और बेहतर बनाना जानता है यूं फरमाया अल्लाह के हो जाओ अल्लाह हमारा हो जाएगा ज्यादा दिमाग न लगाओ अल्लाह आगे सब बेहतर कर देगा खैर कर देगा राहत कर देगा मौलाना बहुत तकलीफ उठाई अरे तकलीफ छोटी है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है उसकी ताकत बहुत बड़ी है क्या पता उस तकलीफ की बरकत से अल्लाह ताला ने गुना मुआफ किया हो इसीलिए हराम पैसों से बचना है सूद के पैसों से ब्याज के पैसों से दुकान पर झूठ बोलने से धोखा देने से गलत तरीके पर नाजायज तरीके पर पैसा कमाने से हमें अपने आप को बचाना है वरना हम और हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी कबर आम तौर पर जो हराम गिजा खाते हैं इंतकाल के बाद फौरन उनको कबर में रखते ही अजाब कबर फड़ फाने लगता है कबर में सांप बिच्छू की आमद हो जाती है अल्लाह तबारक वाल नाराज हो जाते हैं इसलिए फरमाया अल्लाह से दुआ करनी है अल्लाह हमें पाकिजा रोजी अता फरमा हलाल रोजी अता फरमा बरकतों वाली रोजी अता फरमा यह दुआ का महीना है मांगे ना अल्लाह से दिल खोल कर मांगे ना क्या कमी है उसके खजानों में बार बार हज उमरे की तोफीक मांगे बड़ा मकान मांगे वसी रिस्क मांगे पाकिजा रोजी मांगे हलाल रोजी मांगे बरकतों वाली हलाल रोजी मांगे हम मांगेंगे अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे रास्ते खोलेंगे हम हम सोच भी भी नहीं नहीं सकते हमारा गुमान भी नहीं जा सकता अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें जरूर देंगे ये ये रमजान का महीना ये तो दुआ का महीना है तो वो तीन गुना जिससे अल्लाह सख्त तरी नाराज होते हैं नंबर एक नामहरम की मोहब्बत इसलिए नीयत करो नामहरमों की मोहब्बत से बचेंगे इंशाल्लाह नंबर दो हराम गीजा नीयत करें इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे न हराम हम खाएंगे न अपनी औलाद को खिलाएंगे हराम गिजा से और हराम कमाई से और हराम पैसों से और हराम के लुकमे से हमें सख्त तरी नफरत होनी चाहिए हराम की से हलाल की रोटी बेहतर है बंगले से हलाल का झोपड़ा बेहतर है हराम की कमाई से बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से हलाल की कमाई से बच्चों को सर कारी स्कूल में पढ़ाना बेहतर है चूंकि मरना है हलाल कमाई से, हलाल कमाई कमाई से, से अल्लाह खुश होते हैं, और हराम कमाई से अल्लाह नाराज हो जाते हैं अल्लाह ताला हमें फरमाए अल्लाह ताला हलाल देना चाहते हैं हम हराम की तरफ ना जाए हराम की बिजनेस अगर कारोबार में हो हम सच्ची पक्की तोबा करें और हम अल्लाह की तरफ आ जाए वो तीसरा गुना जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए होते हैं और मौत के वक्त कलीमे का मिलना मुश्किल हो जाता है वो ये है कि जो आम गुना होते हैं जैसे गीबत है झूठ है हाँ झूठ से अल्लाह बहुत नाराज होते हैं बहुत नाराज होते हैं बहुत नाराज होते हैं यूं फरमाया कि झूठों पर तो अल्लाह की लानत होती है मजाक में झूठ बोलना ये भी गुना है कबीरा है बड़ा गुना है जैसे शराब पीना बड़ा गुना जीना करना बड़ा गुना नमाज का छोड़ देना बड़ा गुना रोजे का छोड़ देना बड़ा गुना इस तरह मजाक में झूठ बोलना किसी को हंसाने के लिए झूठ बोलना यह भी बहुत बड़ा गुना है हम कहीं और है और फोन पर यूं बता रहे हैं कि हम कहीं और है ये बड़ा गुना है अपने बच्चे को कहा बेटा यहाँ तुझे चॉकलेट देता हूं बेटा आया और उसको चॉकलेट नहीं दी धोखे से उसको बुलाया ये बोला, ये झूठ बोला बहुत बड़ा गुना है जुबान की बड़ी अहमियत है इसकी बड़ी वैल्यू है सत्तर साल का मंदिर का पुजारी दस सेकंड में कलीमा पढ़ के हमेशा हमेशा का जन्नती हो जाता है और सत्तर साल का तहज़ुद गुजार दस सेकंड में कलीमे का इनकार करके हमेशा हमेश का जहन्नमी हो जाता है एक औरत है निकाह के मौके पर हाँ कहता है वो हलाल हो जाती है और अगर कोई तलाक के अल्फाज बोल दे तीन तो वो हराम हो जाती है अल्लाह अकबर जुबान की बड़ी अहमियत है ज़ुबान के निकले हुए अल्फाज की बड़ी अहमियत है इसलिए फरमाया हमेशा सच बोले अलैकुम बिदा तुम हमेशा सच बात कहो सच में नजात है और झूठ में हलात है बच्चों की तरबियत में सबसे पहली तरबियत यह है अपने बच्चों को कहना कि बच्चों आप हमेशा सच बोलो हम भी सच बोले हमारी फैमिली सच बोले हमारे घर वाले सच बोले आपको लगेगा कि सच में थोड़ा सा फंस जाएंगे ना 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 सच का अंजाम बेहतर है सच बोलने से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे एक झूठ सो झूठ को दावत देता है फिर वो झूठ झूठ बोलते बोलते उसका शुमार कज्जाबों में हो जाता है झूठे लोगों में हो जाता है और झूठों पर पर अल्लाह की लानत होती है और झूठ बोलने से फरिश्ते कई मिल दूर चले जाते हैं उनके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि रामन कातिबीन भी लिखते हैं कि इस बंदे ने इस वक्त झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला और अल्लाह ताला सख्त तरीन नाराज होते हैं अल्लाह झूठों से मोहब्बत नहीं फरमाते झूठों से नाराज होते हैं झूठ बोलने को मना फरमाया है पीरा ने पीर के हाथ में जो काफ जो डाकुओं की पूरी जमात ने तोबा की थी जब आपकी उम्र दस साल की थी उस वक्त आपकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह आपने सच कहा था कि देखो मेरे पास यहां पैसे हैं मेरी मां ने यहां सी दिए हैं बेटा तू छुपा लेता तो क्या होता का ना 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 मैं जब चल रहा था ना मेरी उम्र दस साल थी मेरी मां ने कहा था बेटा हमेशा सच बोलना हाँ बच्चे छोटे होते हैं ना माँ बाप जो सिखाते हैं वो सीख जाते हैं बड़े होकर के आमतौर पर सिखाने करते बच्चों की सीखने की उम्र ये जब छोटे होते हैं इसलिए मेरे अजीजों सच सच दुआ करें अगर कोई गुनाह की आदत है रमजान में नाहम लेके दुआ करें अल्लाह मुझे झूठ की आदत है झूठ छोड़ा दीजिए मुझे गीवत की आदत है गीवत छोड़ा दीजिए मोबाइल के गलत इस्तेमाल की आदत है मोबाइल का गलत इस्तेमाल छोड़ा दीजिए सीरियल देखने की आदत है वो छुड़ा दीजिए क्रिकेट का शौक है वो छुड़ा दीजिए तो रमज़ान का महीना अल्लाह से मांगने का महीना है मांगने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं हर इंसान को अपना पता है कि उसके अंदर कौन कौन से गुनाह है और वो कौन कौन से गुनाहों का आदि है इसलिए जरूरत इस बात की है अल्लाह से मांगे तमन्ना बना करके मांगे और दर्द दिल के साथ मांगे तो जो जैसे आम गुनाह है झूठ इस ये जो बंदा झूठ बोलता रहता है मौत के वक्त उसको कलीमा मिलना मुश्किल हो जाता है जो गीबत करता रहता है गीबत 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 किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि उसको पता चल जाए तो उसको बुरा लगे लोग कहते हैं कि के मौलाना मौलाना हम तो वही बात करते हैं जो उसके अंदर है हाँ 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 वही तो गीबत है ना अगर उसके अंदर वो बात ना हो फिर तो बहुतान है गीबत का गुना बहुत सख्त है यूं फरमाया कि गीबत का हाल रोमिंग की तरह है जितना गीबत के करने वाले को गुना इतना ही गिबत के सुनने वाले को गुनाह अल्लाह तला कुरान करी में इरशाद फरमाते खुलासा यह के तुम एक दूसरे की रिबत न करो किसी की रिबत न करो क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना पसंद कर करता है एक तो इंसान इंसान में भी भाई वो भी मरा हुआ क्या कोई अपने मुर्दार भाई के गोश को खाना पसंद करता है अरे बिल्कुल नहीं करते बिल्कुल नहीं करते फरमाया के का करना अल्लाह नजदीक इससे भी बुरी चीज है अरे लोगो अल्लाह से डरो अल्लाह के पास जाना है अल्लाह से मुलाकात होनी है एक गुना करने से गुना लिखा जाता है गीबत के करने से गुनाह भी लिखा जाता है और अपनी नेकियां सामने वालों को दे दी जाती है इसलिए हम गीबत गीबत से बचे किसी 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 की की न न करें करें बात के ऐब को बयान न करें दुनिया में जितने लोग हैं हर एक के अंदर ऐब है हमारे में भी है उनमें भी है किसी में कम है किसी में ज्यादा है जब सारे लोग ऐपदार है जब सब में ऐब है हम ऐप क्यों देखे हम खूबियां देखे हम सब मर्द जाने वाले हैं उनका जवाब हमें नहीं देना हमारा जवाब उनको नहीं देना वो हमारी कबर में नहीं आएंगे हम उनकी कबर में नहीं आएंगे उनकी की कोशिश करनी है लेकिन उनकी हमारे ऊपर फर्ज नहीं है हमारी हमारे ऊपर फर्ज है जुबान को कंट्रोल करो ज्यादातर खामोश रहो बोलो तो अच्छा बोलो अल्लाह की इबादत करो जुबान से कोई जिकर, कोई जिक्र जारी कर दो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है ये सब महफूज हो रहा है हम अगर किसी की करते हैं फरिश्ते लिख रहे हैं अल्लाह सुन रहे हैं कयामत के दिन सख्त तरीन पकड़ होने वाली है अल्लाह से मुलाकात होने वाली है इसीलिए अजीजों माओ बहनों मिया बीवी ये तय करें कि इन रात सोने से पहले किसी की गिबत नहीं करेंगे तौर पर मिया बीवी दोनों मजे ले लेकर के रात सोने से पहले पंद्रह मिनट अपने अम्मी अबू की सास ससुर की भाभी की देरानी की जेठानी की नड़न की अड़ोस पड़ोस वालों की गिबत करते हैं हम जब गिबत करते हैं ना तो शैतान हमारे होंठ पर शहद लगा देता है और गिबत करने में बहुत मजा आता है बहुत लज्जत आती है किसी की इज्जत को उछालना किसी की बात करना शैतान को पता है अल्लाह नाराज हो रहे हैं इसकी नेकियां जा रही है सामने वाले के गुना आ रहे हैं मौत के वक्त इसको कलीमा मिलना मुश्किल हो जाएगा अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर इसकी कबर में अजाब शुरू हो जाए तो शैतान को मजा आ जाएगा अगर किसी का जहन्नम का फैसला हो जाए शैतान खुश हो जाएगा शैतान नहीं चाहता कि हमारी आखिरत बने वो चाहता है हमारी आखिरत बर्बाद हो अपनी नेकी को ऐसी थैली में जमा न करो जिसमें सुराख हो पानी ऐसी डोल में न भरो जिसमें लीकेज हो एक तरफ हम नेकियां कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं रोजे रख रहे हैं जका दे रहे हैं हज कर रहे हैं तरावी पढ़ रहे हैं तहजुद शराख चाश और अवाबीन पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और दूसरी तरफ गीबत, इसकी बात उसकी बात आपस में दो सहेलियां मिली गीबत दो दोस मिले गीबत चाय की दुकान पर मिले गीबत फोन पे बात हुई गीबत, सुना के नहीं अरे उससे आगे सुनने का ही नहीं उसके आगे गीबत ही होती है अब तो गीबत का एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है लोग कहते मौलाना हम गीबत नहीं करते लेकिन हम एक बात करते हैं मेरे अजीज हाँ इसी को गिबत कहते हैं ये तू चाला के साथ गिबत कर रहा है याद रख ना खुदा के दरबार में गलती की माफी है लेकिन चालाकी की माफी का बड़ा मुश्किल मामला है इसलिए अल्लाह का वास्ता मैं भी भी नियत नियत करूं आप भी नियत करो ये रमजान की कदर करेंगे अल्लाह के आशिक को जैसा गुजारेंगे और रोजा अच्छा रखेंगे और अच्छी तरह भी पढ़ेंगे और शहरी और इफ्तारी के वक्त में खूब दुआएं करेंगे और जो है तहजुद शराक चाशाबिन पढ़ेंगे रोजाना कम से कम छे पारे अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे सात तस्बी अल्लाह अल्लाह की सात तस्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक तस्बी अस्तगफिरुल्लाह की ये पंद्रह तस्बी पढ़ेंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नस्अलुकल जन्नत व नऊजु बिक मिनन नार इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे और अपने घर में फजाइल रमजान की तालीम करेंगे अल्लाह ताला हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए हाथ उठाइए दुआ कर लीजिए अल्हमदल्हर रबलम सल हबीबी महमद वसलम ला तबान नाकमीन प्यारोला करीमा हम बहुत बड़े गुनहगार हैं हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा हमारी सजात को हसनात से मुबदल फरमा हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा हमें चैन सुकून इतमान और अमन व अमान अता फ़रमा हयातन तगीबा नसीब फरमा पाकिज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा अपनी मोहब्बत अपना तल्लु अपना इश्क अपना कॉन्टेक्ट अपना कुरब दर्द दिल अता फरमा उम्मत की फिकर उम्मत का गम उम्मत का दर्द और उम्मत की कूड़ा नताफरमा हमें दीन की मुबारक मेहनत के लिए दूर के लिए देर के लिए सारे आलम के लिए इखलास के साथ अपने फजल से कबूल फरमा नूर नूर बातें नताफरमा तकवा जहद पाकदा मनी और नसीब फरमा विलायत का और नस्बत का नूर अता फरमा फनाफिल्ला और बकाबिल्ला के नूर से मुशर्रफरमा सलूक की सारी मंजिलें खैरफियत से तय फरमा अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा हमारी दुनिया खरत बेहतर हमारी टूटी फूटी तरावी को रोजे को तिलावत कुरान को दीगर नेकमाल को कबूल फरमा जो गलती गफलत और कोताही हो गई उससे मुआफ़ फरमा अब रमजान की कदरदानी करने की और अल्लाह गुनाहों से बचने की नामहनों की मोहब्बत को दिल से निकाल फेंकने की और अल्लाह हराम कमाई से बचने की झूठ से गीबत से हर गुना से बचने की अल्लाह में तोफीक और सादत नसीब फरमा जब नक का वक्त आए तो हिम्मत करके नकियाँ करने की और जब गुना करने का वक्त आए तो हिम्मत मत करके गुनाहों से बच जाने की तोफ़ी फरमा जिन्होंने हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह हरेक की जायज़ तमन्नाओं को और नेक मुरादों को पूरा फरमा बार बार मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनवरा की मकबूल हाजरी नसीब फरमा आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इसके फैस को ताकयामत खूब आमो फरमा या अरहमर कयान माशा